हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड दिस इज अ वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज। वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज में हम लोग पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करते हैं। तो आज हमने इंडियन सोसाइटी का एक टॉपिक पिक किया है क्योंकि एक सवाल आ चुका था डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, और हम देखते हैं कि कैसे सिलेबस के अंदर एक्सप्लिसिटली ये टॉपिक मेंशन है। तो हमने क्या करना है कि जैसे पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए हमारा सिंपल फंडा क्या है कि अगर आपको पीसीएस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या मेंशन है और क्या उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कमीशन पेपर पूछता है या नहीं पूछता है। तो हमने पेपर जो कमीशन पूछ रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, उसको कोरिलेट करना है अपने सिलेबस के साथ, तभी हमें चेंजिंग ट्रेंड के बारे में पता चलेगा, एग्जामिनेशन में कैसे लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है पीसीएस में उसके बारे में भी पता चलेगा। और दूसरा एक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ आपसे शेयर करूंगा कि वी हैड स्टार्टेड अवर पीस अवर एनसीईआरटी सीरीज फॉर पीसीएस, और ये जो एनसीईआरटी सीरीज है दिस इज अ फाउंडेशनल सीरीज, नाम रखा है आरंभ। आरंभ सीरीज का मतलब है कि हमने एनसीईआरटी को पर्सपेक्टिव से पढ़ाना है पीसीएस के, कि पीसीएस में जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव को, उस ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग को, वो आउटलुक हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी से। तो 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट की तकरीबन 8 से 10 क्लासेज है, तो ऑलमोस्ट 40 क्लासेज विल बी देयर टू कवर द एनसीईआरटी ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस, ताकि आपसे 6 to 10th का एक कंक्रीट बेस बने, उस बेस के ऊपर हम पीसीएस को बिल्ड कर पाए। क्योंकि अनुमान ये देखा गया है कि विद्यार्थी अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, कि कोई साइंस का है, कोई मेडिकल का है, कोई नॉन मेडिकल से, कोई कॉमर्स से, जिसने आर्ट्स भी लिया है उसने आर्ट्स को उस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा जैसा पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हमने एक ब्यूरोक्रेटिक आउटलुक के साथ एनसीईआरटी को अप्रोच करना बड़ा जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं। आरंभ सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, यू विल एंजॉय रीडिंग, एंजॉय द सीरीज। मोर ओवर जिन्होंने तैयारी पीसीएस की कर भी ली है तो उनके लिए भी काफी अच्छी सीरीज रहेगी, कि उस कॉन्सेप्ट को या एनसीईआरटी को कभी ऐसे आपने तैयारी के दौरान भी अप्रोच नहीं किया गया। मोर ओवर हम अपने चैनल में बहुत सारे टॉपर्स, जो पीसीएस के टॉपर्स हैं प्रीवियस ईयर, जिन्होंने अच्छी रैंक हासिल करी है, और वो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देंगे कि भाई उनका एक्सपीरियंस क्या था पीसीएस के अंदर, चाहे वो रैंक 1 हो, रैंक 3 हो, या रैंक 7 है, मल्टीपल रैंक होल्डर्स हैं, जो आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने पीसीएस को क्वालिफाई किया, कितना समय लगा, क्या पीसीएस 6 महीने का एग्जामिनेशन है या नहीं है, कितना सिंसियरिटी से पढ़ना पड़ता है, और कैसे डायरेक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें भी वो आपके साथ शेयर करेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्टिंग विद द थिंग्स। तो इंडियन सोसाइटी का सिलेबस जैसा कि पंजाब सर्विस कमीशन ने मेंशन किया है, तो ऑलमोस्ट यूपीएससी को इन्होंने रेप्लिकेट किया है, और इन्होंने लिखा है कि भाई सेलिएंट फीचर बताओ इंडियन सोसाइटी का, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया बताओ, और इसी डाइवर्सिटी से आज का सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। विमेन के अराउंड इशू, सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विमेन, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट इंडियन सोसाइटी के ऊपर, सोशल एम्पावरमेंट है सारी कम्युनिटीज का, मीन्स सोसाइटी में जो जो अनएम्पावर्ड है उसको एम्पावरमेंट के लिए सरकारें क्या कर रही है उसके ऊपर सवाल आते हैं। कम्युनलिज्म क्या होता है, रीजनलिज्म क्या होता है, सेकुलरिज्म क्या होता है, क्योंकि ये तीनों ही समाज के साथ जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी है। तो इंडियन सोसाइटी अगर आप दायरा देखोगे तो काफी ज्यादा ब्रॉड है। क्लियर? तो आज का जो हमारा सवाल है, आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू। डिस्कस द डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी विद रेफरेंस टू यूनिटी एंड प्लुरलिज्म, डिस्कस, और ये 100 शब्दों में लिखना है। 100 शब्दों का मतलब है तकरीबन एक पेज आपको मिलेगा जिसमें लाइंस आसपास बनी होंगी, मार्जिन्स बने होंगे। तो अगर 100 शब्दों में लिखना है तो इन्होंने पूछा डिस्कस द डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इंडियन सोसाइटी में किस प्रकार की डाइवर्सिटी है विद रेफरेंस टू यूनिटी एंड प्लूरलिज्म, कि इंडियन सोसाइटी में प्लूरलिज्म भी है। प्लूरलिज्म का मतलब है मल्टीपल ग्रुप्स रह रहे हैं, मल्टीपल कम्युनिटीज रह रही हैं, तो ये जो मल्टीपल कम्युनिटीज है जिसको हम डाइवर्सिटी बोल रहे हैं, तो ये किस प्रकार की डाइवर्सिटी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी हम आइडेंटिफाई करते हैं, भाई 4 प्रकार की डाइवर्सिटी हिंदुस्तान के समाज में रहती है। एक है कल्चरल डाइवर्सिटी, एक है रेशियल डाइवर्सिटी, एक है रिलीजियस, एक है लिंगुअल। ये 4 प्रकार की डाइवर्सिटी, की भाषा के आधार पर डाइवर्सिटी है, रेसेस के आधार पर डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के आधार पर डाइवर्सिटी है, और इन सब का कल्मिनेशन होता है कल्चर पे, तो कल्चर के आधार पर डाइवर्सिटी है। इसको अगर विस्तार में देखेंगे तो लेट्स अज्यूम कि एक रेशियल डाइवर्सिटी है। रेशियल का मतलब होता है कि आप कैसे दिखते हैं, कैसे आपका कॉम्प्लेक्शन है, किस प्रकार के आपके फेशियल फीचर्स है, उसको रेस बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम साउथ इंडिया को देखेंगे, जो हमारा ट्रॉपिकल पार्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का पार्ट है, यहाँ के जो लोग हैं जिनको द्रविड़ा बोला जा रहा है कल्चर वाइज, यहाँ के जो लोग हैं इनका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है, हेयर्स कर्ली हैं, माथा ब्रॉड है, नोज थोड़ी सी बड़ी है, ऐसे कॉम्प्लेक्शन के लोगों को बोला जाता है कि दीज आर फ्रॉम द नेग्रो
सॉरी दीज आर फ्रॉम दी नेग्रिटोज रेस। नेग्रिटो रेस एक ऐसी रेस है जिसको हम अगर एंथ्रोपोलॉजी पढ़े तो हम कहते हैं ह्यूमन ने माइग्रेशन किया। जब हम कहते हैं कि एक टाइम पे अर्थ पे आइस एज आ गई, प्लिस्टोसिन आ गई और लैंड ब्रिजेस बन गए, समुन्दर को चल के भी पार किया जा सकता था, तो अफ्रीका से एक रेस उठ के हिंदुस्तान में आ गई और ऐसी रेस को बोला गया नेग्रिटो रेस। तो इनके जो फेशियल फीचर्स है वो ऑलमोस्ट अफ्रीका के रहने वाले लोगों जैसे हैं। तो ये एक रेशियल डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान के समाज में। हिंदुस्तान के समाज में अगर आप हायर ऑल्टीट्यूड को देखोगे, चाहे लद्दाख रीजन को देखोगे, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर के रीजन को देखोगे, उत्तराखंड के अपर पार्ट ऑफ चमोली को देखोगे या पिथौरागढ़ को देखोगे, नेपाल के लोगों को देखोगे और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखोगे, इनके अगर फेशियल फीचर देखोगे, बाल बहुत स्ट्रेट होते हैं, शाइनी होते हैं, माथा ब्रॉड होता है, नोज एकदम फ्लैट होती है, आंखें छोटी होती है। ऐसी रेस के लोगों को बोला जाता है मैंगलॉइड रेस। तो मैंगलॉइड रेस भी हिंदुस्तान के अंदर है, नेग्रिटो रेस भी हिंदुस्तान के अंदर है। तो रेशियल डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं है। एक डाइवर्सिटी है जो हम नॉर्थ इंडियंस हैं, जो पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन के हैं, इनके फेशियल फीचर से फिजिकल फीचर डिफरेंट है। जैसे पंजाब के लोगों के फिजिकल फीचर काफी हद तक मैच करते हैं हरियाणा के जाट से। जैसे हम कहते हैं जट हैं पंजाब में, ऐसे ही जाट हैं हरियाणा में। दोनों के जो फिजिकल फीचर है, उनकी हाइट देखोगे, उनका कम्प्लेक्शन देखोगे, उनकी आईब्रोज देखोगे, आंखों की बनावट देखोगे, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे आपके राजस्थान के लोग भी हैं। तो इस प्रकार की जो रेस है, जिसको बोला जाता है आर्यंस आए थे हमारे, एक थ्योरी है कि आर्यंस बाहर से आए थे, तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो है ये सारी एक ही रेस है, जिसे नॉर्डिक नॉर्डिक रेस, आर्यन रेस की बोला जाता है कि ये यूरोप से माइग्रेट हुए हैं, इसलिए इनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मंगोलॉइड है ऐसा बोला जाता है, मंगोल से पूरी दुनिया में फैले, तो इनके फेशियल फीचर चाहे वो चाइना के लोग हैं, जापान के लोग हैं, साउथ ईस्ट एशिया के, इनके एक जैसे फेशियल फीचर है, क्योंकि एक ही रेस थी जब ये रेस डेवलप हुई और ये फिर पूरी जगह पे स्प्रेड हुई। ऐसे नेग्रिटो डेवलप हुई, पूरी दुनिया में स्प्रेड हुए, ऐसे ही एक रेस है आर्यन रेस, ये डेवलप हुई और इस तरफ को स्प्रेड भी हो गई। तो ऐसे मल्टीपल रेसेस हिंदुस्तान के अंदर हैं, तो रेशियल डाइवर्सिटी इज देयर, तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सिमिलरली इफ यू विल सी, देयर इज अ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक मींस भाषा के आधार पे, अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखा जाए, पर्टिकुलरली हरियाणा के अंदर देखा जाए, राजस्थान में देखा जाए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में देखा जाए, तो इन जगहों पर हिंदी लैंग्वेज का उपयोग बहुत ज्यादा है। साउथ इंडिया में चले जाओ तो हम बोलते हैं द्रविड लैंग्वेज के अलग अलग पार्ट हैं, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, हाँ, तो ये जो सारी तमिल मलयालम है ये लैंग्वेज द्रविड़ा लैंग्वेज है। पंजाब के अंदर पंजाबी लैंग्वेज है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, कश्मीर में कश्मीरी लैंग्वेज है। तो हिंदुस्तान में अलग अलग लैंग्वेजेज हैं, चाहे वो बंगाली है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल्स की लैंग्वेज है, गुजराती एक लैंग्वेज है तो मराठी एक लैंग्वेज है। तो इस तरह से मल्टीपल लैंग्वेजेस हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करी, तो मल्टीपल कम्युनिटीज, तो दिस इज द डाइवर्सिटी विच इज एग्जिस्टिंग इन द इंडियन सोसाइटी, कि डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज एग्जिस्टिंग। तो अगर इसको देखा जाए तो इस प्रकार से आप तोड़ा जा सकता है कि लद्दाखी भी एक लैंग्वेज है, कश्मीरी भी एक लैंग्वेज है, पहाड़ी भी लैंग्वेज है, पंजाबी भी लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है। तो इंडिया में जब लिंग्विस्टिक आधार पे ही हमारे स्टेट बनना शुरू हुए, 1956 में जब लिंग्विस्टिक आधार पे ही हमारा आंध्र प्रदेश बना और मल्टीपल स्टेट की महाराष्ट्र से गुजरात अलग होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऐसे ही साउथ इंडिया जो पहले की एक स्टेट की फॉर्मेट में था और मद्रास की फॉर्मेट में था, इसको मल्टीपल स्टेट में बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा आधार होता है आपकी आइडेंटिटी को। जैसे पंजाब में लोग आइडेंटिटी किससे डिराइव करेंगे, वो पंजाबी भाषा से डिराइव करेंगे। पंजाब के लोग और हरियाणा के लोगों में फर्क क्या है, अगर कल्चर वाइज देखा जाए, दोनों एग्रीकल्चरल सोसाइटीज है, फेस्टिवल दोनों के सेम है, लेकिन भाषा दोनों की अलग है, रिलीजन दोनों का आइडियोलॉजी वाइज अलग है। तो इस तरह से आप देखोगे भाषा के आधार पर लोग अलग अलग। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया में एग्जिस्ट करे, अगर डेटा देखा जाए तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, 41% लोग हिंदी बोलते हैं। इसके बाद देखो ये डेटा प्रीलिम्स में भी आता है, इसके बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है बंगाली 8%, इसके बाद जो बोले जाने वाली भाषा है वो है तेलुगु, फिर है मराठी। तो ये टॉप 4 लैंग्वेजेस हैं जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाती है, क्योंकि बंगाल की आपको पता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिहार और यूपी की भी ज्यादा है, लेकिन वहां पे हिंदी चलती है तो हिंदी का परसेंटेज अपने आप ही बढ़ जाता है। तो ये लैंग्वेजेस के बेसिस पे अगर देश को बांटा जाए तो ये कुछ लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज या ग्रुपिंग बन सकती है। अगर एक आधार पे बांटा जाए कि पूरे देश में
क्यों, कौन कौन से धर्म प्रीवेलेंट है, तो हम बोल लेते हैं रिलीजन के बेसिस पे अगर कंट्री को देखा जाए नियरली 80% हिंदू हैं कंट्री के अंदर। उसके बाद हम कहते हैं कि मुस्लिम इज द सेकंड मोस्ट प्रीडोमिनेंट रिलीजन इन इंडिया, फॉलोड बाय क्रिश्चियनिटी, फॉलोड बाय सिखिज्म एंड अदर ट्राइबल कम्युनिटीज भी हैं, मल्टीपल छोटे मोटे रिलीजन है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, जिसकी परसेंटेज बहुत कम है। तो हमारे पास रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है। तो चार प्रकार की डाइवर्सिटी बताई मैंने, रेशियल बताई मैंने, लिंग्विस्टिक बताई, अब रिलीजियस, लास्ट में कल्चरल पढ़ेंगे। तो ये जो सारी डाइवर्सिटीज हैं ये हिंदुस्तान के समाज में एग्जिस्ट कर रही है। एक डाइवर्सिटी है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब समझिए कि अगर कल्चर का मतलब क्या होता है, कश्मीरी इज अ कल्चर, इट इज अ लैंग्वेज, इट इज अ कल्चर। कल्चर में हम उनका खाना पीना, रहन सहन, बातचीत का तरीका, सोचने का तरीका, उनका आउटलुक टूवर्ड लाइफ, हर कुछ देखा जाता है। जब ये सारी चीजों को देखा जाता है तो कल्चरल डाइवर्सिटी को देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दो स्टेट में कन्वर्ट हो गया, अलग अलग स्टेट में टूट गया। सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया। हिंदुस्तान में जब पहली बार स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, पूर्ण गठन हुआ, तो हमने रीऑर्गेनाइजेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जब आंध्र बना, जब केरला बना, जब गुजरात बना, तो लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग देश बने, स्टेट बने। लेकिन जब सन 2000 में तीन स्टेट हमने फिर से बनाए, हमने कहा भैया छत्तीसगढ़ बनाना पड़ेगा, हमने कहा झारखंड बनाना पड़ेगा और उत्तराखंड बनाना पड़ेगा। ये तीन स्टेट बनाने के पीछे रीजन था कल्चरल डाइवर्सिटी, कि छत्तीसगढ़ के लोग कहते हैं कि वी आर मेजरली ट्राइबल कल्चर, तो हमें मध्य प्रदेश से अलग किया जाए। झारखंड वाले कहते हैं वी आर ट्राइबल, हमें बिहार के लोगों से अलग किया जाए। उत्तराखंड वाले कहते हैं कि हमें यूपी वाले डोमिनेट करते हैं, तो हमें यूपी से अलग किया जाए। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, हिमाचल प्रदेश पहले पंजाब का प्रोविंस था। अगर आप देखोगे कांगड़ा वाली बेल्ट, ऊना वाली बेल्ट, आज भी पंजाबी बहुत चलती है, हमीरपुर पंजाबी बहुत चलती है। जो प्योरली अपने को हिमाचली मानते हैं वो अपर ऑल्टीट्यूड के, शिमला के हैं और कुल्लू के हैं, चंबा के हैं, ये लोग अपने आप को पहाड़ी मानते हैं। तो यहाँ पे अभी भी मिक्सिंग है। तो इस तरह से जो हिमाचल प्रदेश अलग पंजाब से ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो कल्चर के आधार पे देश बनाए जाते हैं। कल्चर मींस खाना पीना कैसा है, रहन सहन कैसा है, भाषा कौन सी है, तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। तो हिंदुस्तान में कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। तो ये चार प्रकार की मुख्य डाइवर्सिटी है, 100 नंबर में नहीं लिख सकते। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है डिस्कस द डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी विद रेफरेंस टू यूनिटी एंड प्लूरलिज्म। तो अब हम एक लाइन, एक छोटे से पैराग्राफ में लिखेंगे कि यूनिटी की बात भी कर दी है। तो वो कहते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है ये यूनिटी में भी रहती है। मीन्स इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी वी हैव अ कल्चर ऑफ यूनिटी। एग्जाम्पल लेते हैं, यूएसए में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती। यूएसए में सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, सारे अपने आप को अमेरिकन मानते हैं, लेकिन हमारे वहाँ कोई अपने आप को गुजराती मानता है, कोई मलयाली मानता है। लोगों की आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर एंड लैंग्वेजेस आज भी रहती है, और उनके रहन सहन का तरीका, उनके फेस्टिवल का तरीका कुछ अलग अलग भी है। उनके फूड अलग हैं, कुजींस अलग हैं हिंदुस्तान में लोगों के, ठीक है, पहनावा अलग है हर स्टेट का। तो आप देखोगे डाइवर्सिटी है। तो कल्चरली बहुत रिच इसलिए बोला जाता है क्योंकि वी आर हैविंग द डाइवर्सिटी, और ये कई हजार सालों से चली आ रही है। ऑलराइट, तो इंडिया के लिए एक शब्द बोला जाता है, इंडिया इज अ सैलेड बाउल। सैलेड बाउल का क्या अर्थ है, जैसे आपका जो सैलेड का बाउल है वहां पे कहीं पे पपीता भी रखा है, खीरा भी रखा है, अनियन भी रखा है, कैरेट भी रखा है, कैप्सिकम भी है। तो इस तरह से अलग अलग जो आपकी डाइवर्सिटी है वो एक सैलेड बाउल में देखने को मिलती है, और हर सैलेड एक हर टाइप का फ्रूट, हर टाइप का वेजिटेबल अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर, अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट का मतलब है सब कुछ पिघल के एक हो जाना, कि अमेरिका में जर्मन भी गए, आयरिश भी गए, ब्रिटिश भी गए, फ्रेंच भी गए, आज सारे अंग्रेजी बोलते हैं, किसी का कोई वे ऑफ लाइफ नहीं है, सबका अमेरिकन वे ऑफ लाइफ है, सब पिज्जा खा रहे हैं, सब बर्गर खा रहे हैं, इस तरह से सबका एक ही स्टाइल हो गया। तो अमेरिका में एक बोला जाता है यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी, हमारे में बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये हमारी अंडर थीम है। तो हम कहते हैं इतनी डाइवर्सिटी के बाद यूनिटी कैसे रही। यूरोप में तो इतने सारे देश टूट गए ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, तो हमारे वहां कैसे मेंटेन रहा। हमने कहा ये यूनिटी को बहुत लंबे समय तक प्रमोट किया गया है हिडन फॉर्मेट में, लेटेंट फॉर्मेट में, कवेटेड फॉर्मेट में। जैसे हमने चार धाम का कॉन्सेप्ट बनाया, शंकराचार्य ने हिंदुस्तान में चार धाम की स्थापना करी। एक धाम उन्होंने बनाया द्वारका, एक धाम बनाया उन्होंने जगतनाथपुरी, एक रामेश्वरम और एक बद्रीनाथ। तो ये चार मेजर धाम है, ये चार हिंदुस्तान के कोने हैं, और हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि अखंड भारत, हम भारत नाम का एंटिटी पॉलिटिकली एग्जिस्ट नहीं करता था। कहीं पे कोई छोटा रूलर रूल कर रहा है, कहीं पे मुगल्स रूल कर रहे हैं, डेक्कन के अलग रूलर हैं, अशोका ने भी पूरे इंडिया को बहुत कम समय के लिए बांधा था,
ऐसे ही अलग अलग किंग ने बहुत कम समय के लिए इंडिया को बांधा था, अदरवाइज इंडिया छोटे छोटे यूनिट्स में टूटा था। फिर भी इंडिया को हिंदुस्तान बोला गया, फिर भी इंडिया को भारत बोला गया, क्योंकि हमारे लिटरेचर में भारत वर्ड यूज होता था। तो भारतवर्ष हमारे इंटरनलाइज करवाया गया, ताकि जब हमारा आंदोलन भी चला आजादी का, तो हम भारत की आजादी की बात कर रहे थे, हम गुजरात की आजादी की बात नहीं कर रहे, हम मराठों की आजादी की बात नहीं कर रहे, हम बंगाल की नहीं बात कर रहे, हम हिंदुस्तान की आजादी की बात कर रहे। तो हिंदुस्तान शब्द हमें इंटरनलाइज करवाया गया और हजारों सालों से हमारे जहन में डाला गया। तो मीन्स रिलीजन के बेसिस पे हमने अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग धाम बनाए, जिससे लोगों की ट्रेवलिंग बढ़ी। ट्रेवलिंग बढ़ी तो आपकी एफिनिटी बढ़ेगी। मैं बार बार गुजरात जाऊंगा तो मुझे लगेगा मेरे देश का पार्ट है। अगर मैं ट्रेवल ही नहीं करूंगा तो मुझे कभी भी वो अपनी एफिनिटी नहीं डेवलप होगी देश की। ठीक, तो ऐसे ही ट्रेवलिंग प्रमोट की गई रिलीजन के माध्यम से। और बोला जाता है जैसे कि मरने से पहले जो है हरिद्वार चले जाना चाहिए, मरने से पहले धाम चले जाना चाहिए, चार धाम की यात्रा करनी चाहिए। तो इस कल्चर को प्रमोट किया गया ताकि आपका देश अखंड रहे। तो मल्टीपल तरीकों से डाइवर्सिटी यूनिटी को प्रमोट किया गया है। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने एक अच्छा काम किया, छोटे मोटे राजाओं को साइड करके एक एम्पायर बिल्ड किया। जब हम आजादी की बात करते हैं तो हमने वही ब्रिटिश को रिप्लेस करके और जो 500 से ज्यादा राजे रह गए थे उनको भी एसिमिलेट कर लिया। तो मीन्स हमें ब्रिटिश ने काफी हद तक एक पॉलिटिकली यूनाइटेड हिंदुस्तान दिया था। और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के वे से, जब एक कंट्री होता है तो एक भाषा होती है, एक करेंसी होती है, एक तरीका होता है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का, तो पूरे हिंदुस्तान में एक यूनिफॉर्म वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को लाया, जिसकी वजह से बाद में हमें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फ्रीडम नहीं, इंटीग्रेशन में हेल्प हुई। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल यूनिटी भी रही है देश के अंदर। देश के अंदर कल्चरल यूनिटी भी रही है कि देश में दशहरा बनाया जाता है तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर में बनाया जाता है, दिवाली बनाई जाती है तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बनाई जाती है, कि हमारे फेस्टिवल सेम है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दी डाइवर्सिटी। तो मीन्स हमारे भगवान, रिलीजन में भी देखो हमारे भगवान सेम है, कहीं पे वो शंकर हैं तो कहीं पे वो रामेश्वरम नाम से जाने जाते हैं। तो मीन्स हमारे भगवानों के अलग अलग नाम है, कहीं पे वो जगन्नाथपुरी है तो कहीं वो द्वारका में कृष्ण है। तो इस तरह से भगवान तो कृष्ण के ही अवतार राम माने जा रहे हैं, तो कहीं पे वो राम नाम से पूजे जा रहे हैं। तो मीन्स मथुरा में अगर वो राम है, अगर वो कृष्ण है, तो वो अयोध्या के अंदर राम है। तो इस तरह से रिलीजन वाइज भी असिमिलेशन है कि आपके जो गॉड हैं वो अलग अलग फॉर्म में पूरे देश में वर्शिप किया जा रहा है, लेकिन गॉड एक ही है। ठीक है, तो और बताया भी जा रहा है कि इनके रिकॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से कल्चरल वाइज, रिलीजियस वाइज हमारे को इम्बाइब करवाया जा रहा है कि वी आर फ्रॉम अ कॉमन कल्चर। आपको बांधने के लिए कॉमन कल्चर होना बहुत आवश्यक है, आपका इतिहास एक होना चाहिए। तो आपको हिस्टोरिकली बताया गया है कि राम आपके वंशज थे, आपको बताया गया है पूर्वज थे, आपको बताया गया है कि कृष्ण आपके पूर्वज थे। तो मींस आपको हिस्टोरिकली अलग अलग स्टोरीज के द्वारा पिरोया गया है और बांधा गया है। तो इस तरह से कल्चरली, हिस्टोरिकली, रिलीजियसली, ज्योग्राफिकली आपको एक यूनिटी प्रमोट। फिर बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज को एड्रेस किया कि भाई डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो हमने आर्टिकल 14 और 15 में लिखा कि किसी भी प्रकार का सरकार भेदभाव नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ अदर अदर डाइवर्सिटीज। ठीक, तो मींस हमने डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया, हमने आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म किए दिया, क्योंकि हमें पता है कि देश में 80% हिंदू हैं और बाकी माइनॉरिटीज हैं, तो हिंदू बाकी माइनॉरिटीज में हावी ना। तो हमने आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म दिया कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल दी कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट विल ट्राई टू प्रोटेक्ट दी माइनॉरिटीज, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व दी माइनॉरिटीज एंड प्रमोट दी माइनॉरिटीज। तो आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म दिया। तो हमने कहीं ना कहीं समाज में एक संतुलन बनाने की कोशिश करी गई है, पहले भी और बाद में भी, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक, तो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का जो 3/4 ऑफ द पार्ट होगा वो डाइवर्सिटी को एड्रेस करेगा, जो लास्ट का 1/4 पार्ट होगा वो यूनिटी को एड्रेस करेगा। तो दिस कुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। तो जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन में अच्छे नंबर मिलते हैं, प्रोवाइडेड आपने पीसेस के दृष्टिकोण से स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर को लिखा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चन को। ऑलराइट, तो इधर आज हम अपने सेशन को खत्म करते हैं। अब आप लोगों ने आरंभ सीरीज को भी देखना है, जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने पहले पीसीएस की तैयारी करी है, अभी प्रोसेस में है, कई सारे पेपर दे रहे हैं लेकिन रिलेंटलेस हैं कि भाई कोई रिजल्ट नहीं निकल रहे, तो आप प्रोसेस में बने रहिए, पीसीएस फिर से आएगा, लास्ट ईयर हो चुका है। तो आप लोग अपने में लगातार इंप्रूवमेंट करते रहिए इन सीरीज के द्वारा, और ऐसे ही मल्टीपल फ्री सीरीज हम आपके लिए यूट्यूब पे चलाएंगे, जिससे आपकी वैल्यू एडिशन होती रहेगी। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।